हाँ जी बोलिए। ऑफ है लो जी। हो गया यार, हो गया। हाँ जी पत्रकार साहबान थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद के तुसी आज साड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए। भगवंत मान जी ने मेरे ते हमेशा की तरह अज फिर इल्जाम लगाए। सवा साल तो जिदण दा इहदी सरकार आई है ये बंदा सानू मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मैनू भी ते हुण मेरे परिवार नू भी। ते लगातार कदे विधानसभा च कहिंदा कि जो चन्नी कित्थे भज गया, वो कित्थे थोड़ा सीएम, मैं उन्हूं फाइलां दिखाउणियां है। हुण 6-7 महीने ते मैं आया हां, अज तक तां कोई फाइल दिखाई नहीं। फिर कदे कोई इल्जाम, कदे मेरे मुंडे दे ब्याह दे, कदे होर कदे होर, फिर कदे मेरी प्रॉपर्टी दे। लगातार जीना हराम कर रहा है, हुण मेरे परिवार ते भी पै गया। मैं तां गुरु ते ओट रखी हुई है, लोकां ते ओट है, क्योंकि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन अखंड पाठ कराया सी। तां सवेरे सवेरे भाई जी आया, मैं असीं मत्था टेकिया शुरू कराया, तां जिहड़ा वाक आया सी वो आया सी, तू काहे डोले प्राणिया, तू दराखेगा सिरजनहार। सो मैं उस परमात्मा दे भरोसे दे नाल चलदा है हमेशा। ते अजिहे झूठे इल्जाम पहला भी लगदे रहे है, अज भी लगे है, आखर नूं इहनां ने साफ हो जाणा है। लेकिन इस बंदे दा जिहड़ा काम है वो मैनूं बदनाम करना ज़्यादा है, जलील करना ज़्यादा है। कदे बोल दिंदा जी कि ये साहबजादियां दे पैसे खा गया, तैनू क्या पता है साड़ी साहबजादियां दे नाल किन्ना अकीदा है, किन्नी शरदा है, तू जानदा क्या है यार। ये बंदा सिर्फ बदनाम करने वास्ते, मैनू कल्ला नहीं, कांग्रेसियां नू सारियां नू कर रहा। थोड़े पत्रकार नहीं छड्डे, जिहड़ा बंदा विरोधी है, माड़ी जी विरोध करता है, उहदे पर ऐसा इल्जाम लगाएगा कि ठोकर लग जाता है, अगले का जीना हराम हो जाता है। तुसी दसो कि पहला इहदे बारे च पहले दिन जिहड़ी इहदी इहने लैक्चर करिया,
वो तुसी कट के देखो उदे च कह रहा कि चन्नी ने कहा कि अपने भाणजे नूं कि तुसी मेरे भाणजे नूं मिलो। फिर थोड़ा जिहा हासी वाले मजाकी अंदाज भाणजा ये भी करिया देखो तुसी कट के तुसी सारे पत्रकार हो तुहाडे सारे पास वीडियो पई है। भाणजा मतलब हनी नाल जोड़न की कोशिश की सी इस गल उस दिन ऐसी बंदा भेज के हनी नूं ग्रिल कर लिया कि दस क्या गल है ये। वो कहता मेरी कोई गल नहीं। फिर मैं सहु खाधी मैं अपने भाणजे भतीजे सारे की सहु खाधी कि नहीं इस तरह हो सकता मैं पूछ लिया। और मैं सहु खाधी सी कि जी मैं किसी को यह नहीं किया कि तुसी मेरे भाणजे भतीजे नूं मिलो। उस तो बाद इन्हें अगली उदे विच इस बारे जिहड़ी गल की उदे च भाणजे भतीजे लिया आ ते अज भाणजे छड़ते एक भतीजे पर लिया आ। आ मेरा भतीजा बैठा है जैसे खड़ा हो जाए मेरे छोटे भाई का मुंडा है डॉक्टर मनोहर का यदा फादर भी डॉक्टर है MD है बैठ जा। यदी मदर भी डॉक्टर है स्किन स्पैशलिस्ट है ये भी डॉक्टर है यदा छोटा भाई है जोड़ा वह भी हमने डॉक्टर बनया। डॉक्टर की सारी फैमिली है और यह डॉक्टर बन के हम नौकरी कर रहा है उस टाइम भी नौकरी करता सी। जे किसी का बिल्कुल बहुत घट मतलब है ही नहीं दे बराबर लिंक है इस तरह का मेरे नाल जशन है इन शौक हैगा लेकिन नौकरी पढ़ने वाला मुंडा MD की तैयारी कर रहा क्योंकि बाप MD है माँ MD है तो कहना मैं MD मैं भी बनना है ऐतकी पेपर दिता सी इनू हुण साढ़े परिवार को भी बदनाम करना शुरू करता। ये पढ़ने लिखने वाले मुंडे हैं इन्हें इन्होंने गलों का क्या पता है। ये एक दिन आया है उस जगह के उपर जिस दिन मैं सहु चुकी है अदरवाइज कदे उत्थे नहीं आया है कट लेन इहदी हुण गल है कि जिहड़ियां मैं गल्लां बोलनी है उन्होंने वह काउंटर होर तरीके बना लेना क्योंकि उन्होंने सारियां बोलियां नहीं इस करके सारिया मैं बोल भी नहीं सकता। दो तीन गल्लां जिहड़ियां आ झूठ उहदा पहला भतीजा पहला भाणजा फिर भतीजे पर आ गया फिर पहला भतीजे भाणजे दे आया। इस तो अलावा तुसी ये देखो कि वह बंदा कहिंदा है कि जी मैं कैप्टन कोल भी गया ये कह रहा वो फादर ने बोलने दिता मुंडे नूं तां बोलने नहीं दिता सवार के मैं कैप्टन कोल गया पहला वो कहिंदा तेरा केस बनता है तैनूं नौकरी दे देंगे इन्हे नूं सरकार टुट गई। फिर मैं चन्नी कोल गया चन्नी कहिंदा तेरा केस बनता है मेरे भतीजे नूं मिल ले इहदा मतलब उहनूं इह तां पक्का सी कि मेरा केस बनता जिस तरह उहने पेश कीती गल। फिर क्या वह जब मैं बदल गया भगवंत मान कोल सवा साल च नहीं आया होगा बई अपनी नौकरी लैण जद उन्हें पता है कि मेरा केस ठीक है और बनता है मैं कैप्टन ने भी हाँ कर दी मैं चन्नी ने भी हाँ कर दी दोनों बदल गए हूँ भगवंत मान आ गया सवा साल के क्या हो भगवंत मान को आया ही नहीं। तुसी पत्रकार हो सियाने बंदे हो अंदाजा लगाओ कि फिर वो सौ गया थी बी कि हूँ भगवंत मान को नहीं जाना है चंगा बंदा नहीं। असली गल क्या है कि वह भगवंत मान को आया होगा उन्हें दसिया भी होएगा तो फिर भगवंत मान ने किया दे दें नौकरी लेकिन इस तरह करना पैना। फिर चन्नी के खिलाफ चिड़िया चवारा कि हूँ करो इन लोड इस तरह दिया सोचा के नाल बंदे काम कर रहे हैं लेकिन मैं हूँ जद इस बंदे ने इस तरह समय चिट्टा झूठ बोल के TV के उत्ते मैं देख रहा सी बैठा एक वकील साहब के घर तो इन्हें चिट्टा झूठ बोल के एलीगेशन लगा दे तो बंदा एक बार तो सटन हो जाता यार हूँ यदा क्या करिए इन्ना झूठ इन्ना इन्ना धोखा इन्ना फ्रॉड। मैं भी आखिर किसी गुरु के घर जाके अरदास की हुई है सच की अजय मैं निमो झूणा जहा ही होया सी
कि मैं सुखपाल खेरे का टैलीफोन आ गया कि अपना वट्सएप चैक करो। मैं क्या वो कहना एक लिंक है, मैं देखिया वो एक लिंक आया आ गया कि जी ये बंदा पहला कोर्ट में गया सी, इन्हें PPSC पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का जड़ा उसे तो नौकरी मंगी, उन्होंने यदि रिजेक्ट करती कि तू स्पोर्ट्स कैटागरी फॉल नहीं करता। ये बंदा हाई कोर्ट चले गया, हाई कोर्ट दे सिंगल जज को लग्या, उन्होंने कहता जी नहीं, डबल जज को अपील करती, उन्होंने भी अपील रिजेक्ट करती। हूँ अजे क्योंकि अजे परतां खुलियां नहीं, अजे हूँ पता लग्या है, ये भी पता लग्या कि सैशन जज ने भी इहदा कैंसल किया हो, मैनूं अजे पूरा पता नहीं है क्योंकि हूँ गल हुई है, अजे मैं जदे प्रेस कर जे मैं ना आता तुसीं कहना सी वो नहीं आया क्योंकि पूरे तथ आए नहीं। कहिंदे ते सैशन जज तो भी अपील खारज हुई भी, हाई कोर्ट चों भी खारज होगी, हूँ अगे दुबारे पा के वापस भी ले ली क्योंकि हूँ भगवंत मान के नाल सौदा हो गया। जनवरी च कहिंदे कोई केस वापस लिया हाई कोर्ट तों, भगवंत मान जी सानूं मारना है या बदनाम करना है या जलील करना है तां इन्ने बड़े बड़े झूठ बोलण की जरूरत है? सरकारां तैयार नहीं करदियां, उयों इनकाउंटर करा लो जे करना ही है, ऐ करन दी क्या लोड़ है भी? चन्नी उहदे कि तां चारे पासे ये क्या खेल खेल रहा है? जे कोई एलीगेशन तेरे पास, मैं कहना जी तेरे पास दरखास्त आ गई, आपे बोल रहा सी या बाप बोल रहा सी, दरखास्त आ गई तू उन्हें मार कर सर पुलिस वाले बुलावे असी जाइए दसी उन्हें गल। आप सनसनी खेज बना रहा, पहला एक स्टेज पर ते बोलता फिर बोलता, आज टीवी ते 15 मिनट रह गए जी, 14 मिनट रह गए जी, 13 मिनट रह गए जी, यार क्या रह गए भाई? हूँ भी अजे तुम देखियो अज बुला लिया जी, अज भेजता जी, अज पुलिस चलेगी जी, ये अज का नहीं है सवा साल का हो रहा है सारे कांग्रसियों के नाल। यार दसो जिन्हों हाई कोर्ट ने दो बार रिजेक्ट कर लिया, केड़ा मुख्यमंत्री है जिहड़ा नौकरी देगा? क्यों दवा नाले ये जिहड़ा बंदा है ये वर्गे एक नहीं हजार है पंजाब दे विच, इहदे पर डी ग्रेड है, डी ए प्लस, बी बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, इहदे पर डी है। वह मेरे पास बी प्लस है, आ इधर ए प्लस बैठा है। मैं तो नौकरी अपने आप नूं नहीं ली, मेरा मुंडा, मेरा अपना मुंडा उहदे पास बी प्लस है, फुटबॉल का गोलकीपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तुसी ऐसी अपने मुंडे नूं तां नौकरी दित्ती नहीं, तेरे मुंडे आ मुंडे नूं किस तरह दे देंदे भाई? यार केड़ा प्लेयर है, आपे कह रहा कि चन्नी ने कहा बहुत गोल्ड ओलंपिक खेडे हुए हैं। हाँ भाई तू ओलंपिक खेडे हुए, ओलंपिक वाले नूं नौकरी दित्ती है हाकी के प्लेयर नूं, उन्होंने जाके पूछो ना भी चन्नी ने पैसे ले जेड़िया मैं देती नौकरी, उन्होंने तो पुछते नहीं कि चन्नी के पैसे ले जेड़िया दिती नहीं हामी नहीं भरी। वो बंदा खड़ा कर लिया झूठा मेरे खिलाफ के जी, अरे झूठा भी किसी गल पर करिया, आपे कह गया मुख्यमंत्री अज उस बंदे नू बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती कैबिनेट विच्चों, PCS दे विच आ जांदा आ भी जांदा लेकिन कैबिनेट नूं देण दी नहीं बणदी क्योंकि उहे जे हजारां है पंजाब दे विच। या तां हुण उहनूं गुहा खड़ा रखण वास्ते हजारां नूं भी देणी पएगी या उहनूं कल्ले नूं क्यों देण कैबिनेट दे विच नौकरी? जे कैप्टन ने नहीं दित्ती मैं नहीं दित्ती तां कमी होएगी ना, इह गल बाद दे विच बणा ली। सो मैं बेनती करना चाहुंदा कि पंजाब के लोगो ये जेड़े पूरी ठगी मेरे घर के नाल अज हो रही है, मेरा घर लुटिया जा रहा है,
मैं झूठा बदनाम करके अंदर ठोकन दिया साजिशा कह भी गया कि अंदर दवांगे सारे नू कह गया मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री के शब्द बनते हैं अजे कोई इनकुआरी नहीं कराई वो बंदे सच्चे है कि झूठे हैं तू स्टेज पर उत्थे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं मैं इन्हू नौकरी दूंगा ये मतलब हाँ करती उन्हूं ये मुख्यमंत्री का काम है आही काम सवा साल से चली जा रहा ना कोई पंजाब की तरक्की की गल है सानू इन गलों बारे बोलना पैदा है ऐसी भी नहीं बोल पा रहे तरक्की की गल क्योंकि रोज कोई ना कोई अज मैं एक बड़ा इशू बोलना सी लेकिन इन्हें सनसनीखेज इस तरह तरीका लभ्या मैं वह छड़ गया हूँ इन्होंने बोलना उस तो बाद मैं अज भी वह मसला थोड़े सामने रखना क्योंकि अब मौका मिले वा तो सारी प्रेस आई भी है सो मैं कहना चाहता है अच्छा तक खड़ के दस दे एक बार जशन एक बार तू खड़ा हो दस दे तेनों बंदा कदे मिलिया तै कदे पैसे देखे ओदे तेरे मैं पैसे लेना आया ओ यार ये कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा नहीं फिर भी देखो जी जिहड़ा कुछ इन्होंने बोलिया सारा कुछ उवें ही है ना मैं उन्होंने अज तक कदे मिले ना ही मैं उन्होंने पछाणदा है ये तो अज एकदम ही उन्होंने एवं कहता तो हमेशा ही इन्होंने तो अपने नाल कदे किसी फैमिली मैंबर ने इनवॉल्व किया ही नहीं है तो वह पता नहीं क्यों एवं साढ़े झूठा इल्जाम ला रहे हैं मेरी गल सुनो जब मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम च पहुंचता लाइन च बंदे लगे होंगे या जब जाता है मूहरे बंदे कुछ खड़ जाते हैं इस तरीके दे नाल वो प्रोग्राम की फोटो है उन्हें दिखाया जा रहा पंजाब भवन दे विच मोहाली का कोई फंक्शन है फंक्शन के मुख्यमंत्री को 100 बंदा मिलता है 100 बंदे जाते वेव करता 100 बंदा सत श्रीकाल करता नाल मिल के हाथ भी मिला इस तरह ही उसकी फोटो उतरी भी यार हर किसी चौंक होता मुख्यमंत्री के फोटो ले लिए इन्नी गल है कोई जॉब का ऑफर ना उन्होंने दिया ना आपने बोला देखो जी मैं फिर कहना जिस दिन मैं सौंह खाधी थी उस दिन भी मैं कहा कि मेरे पास हजारा बंदे नौकरियां आते ये भी आया होगा उस दिन तो मैं ये भी नहीं पता कौन है अज भी मैं कहना रूटीन च बंदा आया होगा लेकिन मैं कदे यही गलती मैं सौंह खाधी थी अज फिर कहना कि मैं कदे ये नहीं कहा कि मेरे भतीजे जशन में मिल रहा है उस दिन मैं सौंह खाधी थी भी मैं किसी भतीजे ने नहीं कहा अज उन्हें जशन नाम लेता अज भी शायद जशन किया वो भी गंजाइश रख के पता नहीं किसी होर का भी नाम देना कल कट के देखो जी मैं वीर जी मेरे याद नहीं है कि जी मैं उसनों कदे इस नौकरी बारे उन्होंने कुछ कहा हाँ जरूर नौकरी वास्ते आया होगा लेकिन मैं ये तो कह ही नहीं सकता नाले एक बंदा है मेरे भतीजे है मेरिया 6 भैन है ना सॉरी 6-7 भैन भाई हैं असी जिसे 3 भैन 4 भाई है एक मेरी साड़ी है एक मेरा साड़ा है कुल मिला के 9 हो गए 9 घर के जिन्ने जिदण का बोल रहा कलेश पिया होया रोटी पड़कनी औखी हुई भी है हरेक अपने मुंडे कहीं झाकी जाता है कि जी कित आता नहीं है अच्छा मैं पूछदा मुंडे से थोड़ी देर बाद बापू का टैलीफोन आ जाता है कि तू साडे मुंडे पर शक करदा मुंडा साडे नाल लड़दा यार ये इस तरह का माहौल तैयार कर रहे लोग यार मैं कहना जी मैं जरूर कहा होगा जे मैं उसी की गल पर जावा कि मैं उन्होंने कहा तेरे मुंडे को कितों नौकरी देना बहुत लंबे खोले फिर खेले आया यार ए दस केड़ी नौकरी 2 करोड़ की वो आप कहें 4 लीडे नहीं है कहते घर के हद करती यार मेरी गल सुनो तुम अपना मकान भी बेचना हो ना तो ये देखते भी खरीदने वाले च औकात भी हैगी सपोर्ट्स बारे कहना चाहते हैं
यार मैं कहना जी जरूर आया होगा, गल हुई होगी, लेकिन मैं जेड़ी गल असली है वो मैं ये दस रहा कि जी मैं किसी नहीं कहा मेरे भतीजे न मिले। और मेरे भतीजे किन्ने है, भाणजे किन्ने है, ये डॉक्टर का ही कहदे वास्ते कहना सी मैं उन्होंने, बी हद होगी। देखो असठे रहने घर साढ़े चार घर है खरड़ चारे भाई रहिंदे अपने अपने घर दे विच ते आउण जाण है साडे रिलेशन है, लेकिन ये है कि जी मेरी वर्किंग दे विच जशन दा कोई रोल नहीं है। यार एक मिनट मैं स्पोर्ट्स दी तुहानू गल दस रिहा, स्पोर्ट्स दे विच ओलंपिक मैडलिस्ट, एशियन मैडलिस्ट ते कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट, उहनां नूं ही क्लास 1 नौकरी जिहड़ी ऑफर हुंदी है। ये लड़का अपीयर होया सी पीसीएस लई, लेकिन स्पोर्ट्स दे विच क्वालीफाई नहीं कीता, पीपीएससी ने इसे करके इनू जनरल कैटागरी च पाता, एंड सबसीक्वेंटली ही वेंट टू द कोर्ट आलसो एंड रिजेक्टेड। मैं तो सिर्फ तुहाडे नाल इक्को ही गल सांझी करनी चाहुंदा, क्योंकि ये सिर्फ ते सिर्फ एक सनसनी बनाउण लई इदां दी चीज़ जिहड़ी है, ये क्योंकि भगवंत मान जी की आदत है वो हमेशा क्योंकि किसी पासे लगना नहीं हुंदा, सिर्फ इहो जी सनसनी बना के ते किसी होर पासे नूं ध्यान डाइवर्ट करना हुंदा, होर गल कुछ नहीं है। मैं अज भी चैलेंज करदा कि इस बच्चे नूं उस कैटागरी च नौकरी नहीं दित्ती जा सकती, एंड जे भगवंत मान सरकार देवे ता एहो जाए मेरा ख्याल है कि 2 to 3 हज़ार बच्चे होंगे जिन्हां नूं इस कैटागरी दे विच नौकरी दित्ती जाऊगी, और वो मैनू लगता हाई कोर्ट दे विच इन्नियां क्रिट्स हो जाणगियां जिहड़ियां कि पॉसीबल ही नहीं सरकार ने। मैं तो हैरान है भी किहो जिही संसनी बना के की करना चाहते, ये तो बहुत एक मेरा ख्याल है भी इन्हां दा जिहड़ा कोई प्रवक्ता है ना ये उन्हों स्टेटमेंट देनी चाहिए, ये सीएम का लैवल नहीं है, ये सीएम मैं कहना हूँ भी दे दें, हूँ तो सरकार इन्हों की है ना, ये हूँ भी दे दें। बेसिकली ओलंपिक मैडलिस्ट, ओलंपिक मैडलिस्ट, एशियन मैडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट, क्रिकेट दे विच बेसिकली जदों कोई ये हरभजन सिंह नूं मिली सी बिकॉज उन्हें इंटरनेशनली उदों उन्नियां विकेट्स लईयां सी, एक लड़की आ अमनदीप कौर उन्हें डबल सेंचुरी बनाई सी, उन्हां केसिस दे विच एक्सेप्शनली जिहड़े बच्चे उस लैवल नूं अचीव करदे आ जिहड़े इंडिया नूं रिप्रजेंट कर चुके होण घट्टो घट वी, इह बच्चा तां साडा ही स्पोर्ट्समैन है, बट एट द सेम टाइम अज भी प्लेइंग 11 दे विच नहीं हैगा, अज भी जिहड़ी किंग्स 11 आ उहदे मेरा ख्याल 23 दे विच हैगा, इह प्लेइंग 11 दे विच भी है नहीं। मैं इह दावे ना कह सकदा कि भगवंत मान इहनूं नौकरी दे नहीं सकदा, उहनूं दे देणगे तां फिर 1,000-2,000 होर नौकरियां तैयार कर लैणे इस कैटागरी च, पंजाब कैबिनेट बिल्कुल नहीं दे सकदी। इहदे विच घट्टो घट भी इहो जी कैटागरी दे साडे कोल 2,000 प्लेयर होणगे, घट्टो घट भी 2,000 प्लेयर होणगे जिहड़े कि इहो जी क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स दे विच उहनां नूं आपां नूं इह सारियां नौकरियां देणियां पैणगियां। इह पता नहीं पढ़ के नहीं आउंदे यार, पता नहीं की करके आउंदे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उहनां ने रिकोगनाइज क्योंकि ओलंपिक चार्टर दे विच नहीं है, इस करके उहनूं उहदे विच नहीं रख्या होया, लेकिन जदों कोई एक्सट्रा ऑर्डनरी जिद्दां कोई कंट्री नूं मान लो उस लैवल ते रिप्रजेंट करता तो फिर कैबिनेट उहदा परव्यू चो कढ़ के तो फिर उन्हों नौकरी दे सकती है, बट इस कैटागरी नूं बिल्कुल नहीं दित्ती जा सकती। भगवंत मान जी तुहाडे कोल 4 साल है, मैं दावे ना कह सकता भी जे तुसीं इस बच्चे नूं नौकरी दे सकदे आ दे के दिखाओ, पीसीएस ते डीएसपी दी क्लास 1 ऑफिसर दी, एंड बिल्कुल
एक एक जिदा नहीं फिल्म चलानी होंगी पहला ट्रेलर देना होंगे फिर फिल्म चलानी होंगी पता नहीं मैं तो हैरान हाँ भी ये सीएम का लैवल नहीं है ये नौकरी देने दे झांसे पिछे सारा कुछ कराया जा रहा उस तो यह भी थोड़ा दस दिन अच्छ कह भी गया कि जी असी नौकरी देवे क्योंकि पूरा लालच दिता हो कोई उत्थे ही नहीं मिले मुंडा पहला भी मिलता रहा पहला भी इन्हों गल चलती रही है पूरा तैयार करके ही होया यार इन्हों ने सारा कुछ करना जो मर्जी कर साडा पूरा परिवार नूं अंदर करन मैनूं अंदर करन असीं तैयार बैठे हैं लेकिन ये नहीं है कि जी उत्थे जाके मत्था टेकण चले जावांगे तेरे मूहरे नक रल गया झूठ बोलन की आदत है आप इना सीरियसली लैने एक शरीफ आदमी उलझा के रख ले इन्हू झांसा दे के मुंडे को सरकारी गवाह बना ले प्यो ते पुत्र एक बड़ी खतरनाक गेम मैं समझना बहुत बदकिस्मती की गल एक चीफ मिनिस्टर का बड़ा बड़ा रुतबा होता है उस कुर्सी पर किसे टाइम सा प्रताप सिंह कैरो बैठे रहे जिस ते आज ये आ गया प्रोफेशनल पांडे प्रोफेशनल पन्ना वाली इन आदत अज भी जिस तरह चलाते रहे वेखो है सी हूँ 31 मिनट रह गए जो 29 मिनट रह गए 4 मिनट रह गए 3 मिनट रह गए निकलिया बिचों कुछ भी कढ़न बाहर कुछ जे सही महीने से यह जी कोई गल है सी ले एक्शन चन्नी जी ने तो किदन तक गया दूजी गल इस तो अलावा यदि गल छो गल हूँ अगली तो भी आई है जी अज कैबिनेट की मैं इनू पूछना चाहना भगवंत तू इन की गल तो करी जाना तू कटारू चकदा तो अज तक जवाब कोई नहीं दिता नहीं जो कटारू है ये करप्शन का हिस्सा नहीं पंजाब की ये संस्कृति साड़ी थी करप्शन तुम कि कहते हो जी वो गरीब आवाजा मारता फिर जिद इना इमोरल एक्ट हो इतने तक लिया दिया कद कुछ नहीं जिथे सारा काम रबिया गया कदे तो केस दायर कर कितने गया कटारू कटारू ने कोई नहीं पूछे एक गुरसिख बंदा MBBS पढ़िया वो ये कसूर कि उन्हें अजीत अखबार के हक च बरजिंदर सिंह हमदर्द बयान दे दिता वो कढ़ के बाहर मारिया डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जत कि अफसोस की गल मैं समझ लिया चन्नी जी इधर ध्यान करो आ दो मिनट खलो जो झोला बाद खोलो पहले यदा झोला हौला हौला कर लिए थोड़ा जहाँ यदा झोला तला भी कर ये पहले यदा जवाब दे दे सा प्रगट सिंह यदा बदल के ना लैके आया वेखो एक गुरसिख न जेड़ा चीफ खालसा दीवान का प्रधान है नूरानी चेहरा वह नजर आता MBBS है वो ये पिछे तुम भगवंत की इनियाँ देन की पूछने की लड़ है ये ना बच्चे सिंह है नहीं ये की फेत रखना किसी धर्म से विश्वास नहीं रखना दस्तार का थले तो केस है नहीं एंटी पंजाबी एंटी सिख चेहरा बदनाम कर लग्या सारे तुम दसो सही लैके किनू आया कटारू चक का जवाब नहीं अज तक दिता वो जो सरारी जो किधर गया जी ऑडियो दे ओपन लोगों के बच्चे आए ने अजे तक उन्होंने जो ड्रॉप किया गया अजे तक क्यों वे केस रजिस्टर करके उन्होंने कचहरी तक क्यों नहीं पहुँचाया गया कटारू सरारी तो एक वेखो तुम बदल इंद्रबीर से फिर मैनू किसी ने पूछे अज कि जी इंद्रबीर सिंह निज्जर ना की सी मैं वो ना ये सी MBBS है ये 10+2 है ये अपने पढ़िया लिखा वादे ने कैबिनेट च रहन कोई नहीं देना आ मेरी गल सुन लो अगले दिन दे विच कोई भी 10+2 तो उत्ते नहीं बंदा रहे बलकार सिंह आ जिहड़ा बलकार लिया इन्हें अपने मुंडे का फर्जी सर्टिफिकेट दिता इतने तो दिता लिया कुछ नहीं पहले वह तो जवाब दे अपने मुंडे नू सब इंस्पैक्टर करवाण वास्ते तू अपने आप नू 50% हैंडीकैप दस
55 साल तो 58 साल की तू नौकरी तो इंसान ले मेडिकल टेस्ट होंगे उसके में तू चंगा भला हटा कटा नजर आया नौकरियां इन लोगों के हाथ में की पंजाब सुरक्षित हो सकता है यदा जवाब दे भगवंत मान वो तेन को और बंदा ही नहीं लगता कटारू तो कुछ कदे नहीं फिरते जदों पूछीदा कहते जी ये केजरीवाल ने बनाया कटारू पहले पूछिए कहते जी आप भतीजा ऐ करता सी मैं तुम 100 फोटो विखा दें जब भगवंत केजरीवाल ऐ करी जाते जरा ऐ करी जाते खलोते हर जगह वह मतलब की है हर जगह दो दो भागते ने केजरीवाल भी तो भगवंत भी जिथे मर्जी वेलो ऐ करते बीमारी इन्हों खाते साढ़े बंदे से चढ़ी जाते सारी पंचायत सारी पंचायत केस रजिस्टर कर दिता आ जिहड़ी सिट बैठी ए नाम मेरा तो मतलब ही सिट का ही होंगे कि चुप होके बैठे रहो सिट का मतलब सिट ही हो एक्ट नहीं करना बस सेट ही करनी तो कोई किसी किस्म की कोई गल कह की लोड़ नहीं सारा पंजाब जानता ये बिल्कुल पखंडी ने झूठे ने झूठ बोलन के आदि ने फ्रॉड मारन के आदि ने दा इन्हों का बज गया दो तीन महीने के सौके निकल गए नहीं तो हूँ तक इसका बाहव बन के इन्हें लै जाना सी तो इस गल कर और कोई गल है असी बिल्कुल इन्हों की कोई सपोर्ट नहीं करनी मेरी सुन लो असी क्लीयर कट कर रहे हैं साडा कोई रिश्ता नहीं आप ऊप नाल इन्हों को बच के रहो इन्हों के दर्शन करने भी महंगे पैणगे तो रिश्तिया की तो गल नहीं चली बिल्कुल कोई इन्हों का कोई साडा मैं कहना जी नैशनल वाले भी साढ़े मुताबक ही चलन साढ़े नैशनल साढ़े तो बाहर थोड़ा तो इस गल कर इन्नी गल क्लीयर है कोई बिल्कुल नहीं इन्हू कहो कि पहले अपनी गल से जवाब दे असी अपनी का जवाब देता चन्नी जी ने अपनी सफाई देती हूँ तू कटारू की दे सरारी की दे बलकार सिंह देखो मेरी गल सुनो जेडे ओदे थले कमेंट्स होंगे ना ये बड़े खराब करते जिस दिन का मैं आया पहला मैं मूसेवाल से गया उसके थले कमेंट्स पढ़ लो उसके बाद कई ने पाता कि जी कि सीएम चंगा सी थले कमेंट्स पढ़ लो ये सोशल मीडिया सरकार है वो पिछे अग लगी जाती है चन्नी नूं घसाओ चन्नी नूं घसाओ चन्नी नूं घसाई जाते सारा दिन होर कोई दिखता ही नहीं ये 70 साल च कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा यही तो पंजाब के लोग पुछते बहुत बहुत धन्यवाद।